देखिए आज हम आपको पापड़ वाले पकोड़े बनाकर दिखाएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं खाए होंगे। ये बहुत जल्दी और बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में और बहुत क्रिस्पी हैं। देखिए देखिए कितने करारे बने हैं, ये टूट गए हैं बिल्कुल, और बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। आप इन्हें बनाकर खाएं। देखिए ये वाले पकौड़े, हमने इस पापड़ से ढेरों पापड़ बनाकर ढेरों पकौड़े बना दिए हैं। देखिए कितनी जल्दी बन गए हैं। आप इस तरह से जरूर बनाएं और देखिए हमारी रेसिपी किस तरह से बनाए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, गंसल्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत इजी ऐसी रेसिपी लाए हैं। देखिए हमारा ये राजहंस वाला पापड़ है, आज से हम ऐसी रेसिपी बनाकर दिखाएंगे आपको। ये बहुत इजी बन जाती है। ये हमने देखिए बड़े बड़े पापड़ ले लिए हैं, ये हमारे 3 पापड़ हैं। अब इनको हम कट करेंगे। देखिए इस तरह से काट लेंगे पापड़ों को। देखिए इस तरह से हमने काट लिए हैं, हम एक पीस और करेंगे इस तरह से। छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे इनको। अब एक पीस और काटेंगे, वो छोटा करेंगे। देखिए कितने छोटे पीसेस हो गए हैं, सबको हम इसी तरह से काटेंगे। सभी पीसेस को हमने छोटे छोटे पीसों में काट लिया है। कितने छोटे छोटे काटे हैं हमने, हम आगे की तैयारी करके दिखाएंगे आपको। कटोरी में बेसन ले लिया है, ये हमने इसमें बाउल में कर लिया है अपने। अब हमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। देखिए स्वाद अनुसार मिर्च डालेंगे आधा चम्मच, एक पिंच हल्दी डालेंगे अच्छे कलर के लिए, एक जरा सा जीरा डालेंगे। देखिए चाट मसाला डालेंगे आधा चम्मच, एक पिंच हींग डालेंगे अच्छे टेस्ट के लिए। नमक आप अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं, हमने आधा चम्मच नमक लिया है। देखिए एक चुटकी हम वो लेंगे गरम मसाला, टेस्ट आएगा। देखिए कस्तूरी मेथी ले ली हमने, इसको हम हाथ से क्रश करके डाल देंगे। आप धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। हम अपने बैटर को घोलेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम घोल बनाएंगे इसका। देखिए इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, पानी से हमें पतला भी नहीं करना है और ना ही ज्यादा गाढ़ा करना है। देखिए 2-3 मिनट तक हम अच्छी तरह से बेसन के घोल को फैट करेंगे, जिससे हमारे पकौड़े टेस्टी बनेंगे। इस तरह का घोल रखना है हमें। देखिए बिल्कुल नीचे गिर रहा है, देखिए जाके इसमें घुल रहा है बेसन में, बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी कर रखनी है हमें। हमारा पानी कितना कम लगा है, कुल आधी कटोरी पानी लगा है हमारा, और बिल्कुल हमारा बेस बैटर तैयार हो गया है। हम बनाकर दिखाएंगे आपको। ये हमने पहले से कढ़ाई रख दी थी, इसमें ऑयल डाल दिया है, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। हम आपको बनाकर दिखाएंगे। इस तरह से हम लेंगे पापड़ को अपने और बैटर में इस तरह से डिप करेंगे, बिल्कुल निचोड़ के और अपने ऑयल में डालेंगे। आप इसमें एक या दो जो भी आपकी कढ़ाई में आए वो डाल सकते हैं। रखेंगे हमने आज को मीडियम रखी है। देखिए कितने अच्छे से फूल गए हैं हमारे। आप सिंपल बनाएंगे तो बहुत अच्छी करा रहे हैं, क्रिस्पी बनेंगे आपके, फूला फूला और कितना टेस्टी पकौड़ा बनकर तैयार हो गया हमारा। इस तरह से देखिए कितने लाल बना हुआ है, बिल्कुल करारा। हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। देखिए इस तरह से हम दूसरा घान में उतार लेंगे। ये बहुत क्रिस्पी और बहुत जल्दी बन जाते हैं, और आपको हल्की फुल्की भूख है सुबह के, आप नाश्ते में भी बना खा सकते हैं। ना ही तो इसमें कोई आपको झंझट करना है, ना ही तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ये मिनटों में बन के आपके तैयार हो जाएंगे। इस तरह से बच्चे खाएंगे बड़े शौक से, एकदम फूले फूले बन रहे हैं हमारे और एकदम करारे और क्रिस्पी बन रहे हैं बिल्कुल। हमने इस तरह से उतार लिया है, देखिए कितने फूले फूले और कितने क्रिस्पी बने हैं एकदम करारे। इस तरह से आपने पहले कभी नहीं बनाए होंगे। देखिए
कि हमारे पापड़ वाले पकौड़े कितने अच्छे बनकर तैयार हो गए हैं, बिल्कुल सैंडविच के आकार के बने हैं। बच्चे अगर इन्हें देखेंगे बता भी नहीं पाएंगे आपने किस चीज़ से बनाकर बच्चों को खिलाए हैं। ये बहुत टेस्टी है, क्रिस्पी बन सकते हैं खाने में। देखिए उनका आकार देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, देखिए खाने में कितने टेस्टी बने हैं, देखिए कितने करारे हैं। आप आवाज सुन सकते हैं इनकी, आप इन्हें तरह से सॉस के साथ दिख कर खाएं तो बहुत टेस्टी लगेंगे खाने में आपको। देखिए हम तोड़ के दिखाते हैं आपको, देखिए कितने करारे हैं अंदर से भी कितने टेस्टी बने हैं। आपको अगर हमारे पकौड़े की रेसिपी अच्छी लगी है तो एक बार जरूर ट्राई करें। आपने पहले बताइए कि आपने पहले कभी बनाई है या नहीं बनाई है, हमें कमेंट में लिख के बताना कि आपने इस तरह के पापड़ या पकौड़े आपने इस तरह से बनाए हैं कि नहीं। इस तरह से अगर नहीं बनाए हैं तो जरूर ट्राई करें, बच्चों सबको खिलाएं। हमारे वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें सब्सक्राइब करें और हमारे नए नए वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।